प्रतिपक्ष इतना ही बेहतर थे दूध के धोए हुए थे हरिश्चंद्र थे तो बिहार की जनता ने उनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट क्यों नहीं दे दिया था और छोटे मोटे लोकतंत्र हैं तो हर आदमी के हर पार्टी में कुछ बड़बोले रहते हैं कुछ बोल रहे हो कोई नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा हो तो कोई उसके खिलाफ बोल रहा हो ये होता है लेकिन पार्टी उस पर निर्णय लेती है पार्टी निर्णय लेती पार्टी तो पार्टी के नेताओं के विचार से चलता है और जब नेताओं के विचार एकमत हैं छोट भैया लोगों को हाथ खींचने से और कुछ बोलने से कुछ होने वाला नहीं देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ वंदना इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है एक तरफ बिहार में जहां बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त पार्टी है वहीं बीजेपी एमएलसी टूना पांडे का बयान के बाद जेडीयू की तरफ से ताबड़तोड़ बयान आना शुरू हो गया है कोई कह रहा है कि अगर एक शब्द भी सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि हम उंगली काट लेंगे इस विषय पर हम बातचीत करेंगे विशेष हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर जी और एमएलसी भी हैं सर इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं देखिए ये जो इस बयान को हर आदमी को अपना फ्रीडम है बोलने का पार्टी में भी एज ए व्यक्ति भी अगर चूना पांडे ने बयान दिया है तो उसका जस्टिफाई और गैर जस्टिफाई पार्टी के पदाधिकारी करेंगे पार्टी के नेता करेंगे पार्टी के अध्यक्ष करेंगे ये बड़ी पार्टी है और इस पर उनके बयान पर मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं टूना पांडे जी के मैं बयान पर कोई मैं बात कहूँ या कोई मैं जजमेंट दूँ ये तो पार्टी करेगी ये बड़ी पार्टी है विचारों की पार्टी है और पार्टी निर्णय लेती है और फिर उनको भी उनकी भी स्वतंत्रता है जो जीव काटने की बात कहते हैं आँख फोड़ने की बात कहते हैं ये उनकी स्वतंत्रता है उनको वो अपना काम करें लेकिन हमारे यहाँ ये कोई सिंगल मैन पार्टी नहीं है ये बड़े कार्यकर्ताओं के समूह है और पार्टी एक रूपता से सारे लोगों पर निर्णय लेती है इसलिए पार्टी ही निर्णय ले सकती हम इस पर कोई अपना विचार नहीं थोप सकते हैं सर लगातार बिहा भिधा, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही देखने को मिला है कि जिस नीतीश कुमार के कार्यकाल पर जिस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी है जो जारी है अब तक तर एक तरफ बीजेपी भी, भी बयान देने से छूक नहीं रही है तो दूसरी तरफ जेड की तरफ से भी लगातार बयान में बयान दिया जा रहा है इस चीज़ को आप किस रूप में देखा जाए किसी रूप में नहीं ये जब आदमियों के समूह बढ़ते हैं भीड़ बढ़ती है तो कुछ लोगों का अपना भी विचार होता है और अपने विचारों से कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं पार्टी में कोई अनमनस नहीं है हमारा एलायस में कोई अनमनस नहीं है हम लोग दोनों साथ कदम से कदम लंबे अरसे से मिला के चल रहे हैं और चलते रहेंगे यह हमारी पार्टी हमेशा इसी के तरफ प्रयासरत रहती है और छोटे मोटे लोकतंत्र हैं तो हर आदमी के हर पार्टी में कुछ बड़बोले रहते हैं कुछ बोल रहे हो कोई नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा हो तो कोई उसके खिलाफ बोल रहा हो ये होता है लेकिन पार्टी इस पर निर्णय लेती है पार्टी निर्णय लेगी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है अब जेडीयू भी एक तरफ से जिस तरह से हमलावर हो रही है अब इसका परिणाम आगे क्या कुछ होगा कुछ नहीं हमलावर मुंह के हमला से कुछ होने वाला है थोड़े जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं उनको मुंह से नहीं अपना करनामा भी दिखाना चाहिए किसी के हमले से हमारे हमले से या और पार्टी के छोट भैया के हमले से कोई पार्टियां नहीं चलती पार्टी तो पार्टी के नेताओं के विचार से चलता है और जब नेताओं के विचार एकमत हैं तो छोट भैया लोगों को हाथ बाँव खींचने से और कुछ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है आगे चल के क्या है सब कुछ सब समय एक स्थिर हो सकता है आज भी ऑल वे ऑल इज वेल है कल भी ऑल इज वेल है देखने में ऐसा नहीं लग रहा है सर साफ पता चल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में तलखी लोग नहीं कोई तलखी नहीं है हम भी बीजेपी के हैं तो कहाँ तलखी की बात कर रहे हैं हम कहाँ कह रहे हैं कहाँ हम नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं या कहाँ वो बीजेपी के खिलाफ बोल ये अपने अपने वर्चस्व के लिए कभी व्यक्तियों को अपना अपना पैर उड़का के बोलने की आदत होती उसी में अपना अपना पैर उड़का के अपना अपना टीआरपी बनाने के ख्याल से इन तरह की बातें हो जाती हैं। आप लोग के जो तलखी जो को लेकर के बीजेपी को तो बड़ा मुद्दा मिल गया है वो भी लगातार हमलावर है कि जल्द ही टूटने वाली है कई तरह के क्या भी लगाए जा रहे हैं जब टूटेगा तो देखिएगा आप भी ऐसा कोई बात नहीं है मैं कह रहा हूँ कि हम मेरा का नाम है कि पार्टी एनडीए की पार्टी में सब कुछ ठीक है एकदम ऑल इज वेल हम हमारी पार्टी जहाँ रहती है भारतीय जनता पार्टी वहाँ ऑल इज वेल नहीं रहता है हम किसी के पीठ में छिड़छुरा नहीं भोगते हैं हम सामने से बात करने वाली पार्टी है विचारों की पार्टी है कार्यकर्ताओं की पार्टी है नेताओं की पार्टी है इसमें कहीं से आगे पीछे नहीं होता है. आपकी बात बात से तो संतुष्ट नहीं है ये तो पक्का है मैं अब आई वैक्सीनेशन को लेकर के विपक्ष का कहना है कि बिहार में वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है और लंबी लंबी गाड़ियां जो है सड़कों पे दौड़ाई जा रही है इसका क्या है अच्छा विपक्ष हमारा सपोर्ट कब कर रहे थे तो विपक्ष के काम है हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे हम रात कहेंगे तो वो दिन कहेंगे अगर प्रतिपक्ष इतना ही बेहतर थे दूध के धोए हुए थे हरिश्चंद्र थे तो बिहार की जनता ने उनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट क्यों नहीं दे दिया था पैर उड़काने से लोकतंत्र नहीं चलता विचारधाराओं से और काम करने से लोकतंत्र चलता है इस राज्य में जितना बेहतर तरीके से कोरोना को हैंडल किया है चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो चाहे वो क्वारंटीन का मामला हो वह इस देश के लिए अद्वितीय है क्या लगता है कि से एक तरफ विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल जैसे ही खत्म होता है तो सरकार टूट जाएगी और फिर से एक बार जो है महागठबंधन की सरकार बनने वाली है अच्छा यही बात कह के यही बात कह के महा गठबंधन के लोग अपने आप को जो उनके यहाँ से भागने वाले हैं उसको एकजुट करके रखते हैं दिन में ही अगर स्वप्न देखने की आदत है तो उनको आप कुछ कर नहीं सकते हैं वो अपना दिन में ही स्वप्न देखते रहें अपने लोगों को स्वप्न दिखलाते रहे उससे भारतीय जनता पार्टी और एन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी बिल्कुल बयान से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है भले ही दावे कर रहे हों कि एन में सब कुछ ऑल इज़ वेल है लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तरफ जहां जे और बीजेपी दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं तो आए दिन अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ है जो है बिहार की राजनीति में ऐसे ही चलते रहेगा या फिर दोनों समझौता जो है वो हो सकता है इस खबर बस इतना ही देखते रहिए न्यूज नमस्कार